क्या कह रहे हैं आप? मैंने अजय को भेजा था आपके पास, आया नहीं वो? अच्छा ठीक है, मैं देखता हूं। क्या कर रहा? क्या कर? हे भगवान, रोहन जी कुछ बोल के नहीं रहे हैं। रोहन जी, रोहन जी, क्या हुआ आपको? अरे अजय, वो मैंने तुम्हें सीए के पास जाने के लिए कहा था, तुम गए नहीं। और ये सब क्या है, पैकिंग वैकिंग अचानक? माफ कीजिएगा सर, लेकिन अब मुझे यहाँ इस घर से जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा? क्यों, क्या बात हो गई अचानक? मेरा काम खत्म हो गया। मैं समझा नहीं। दो लोगों के मिलने का हमेशा कोई मकसद होता है सर, और वो मकसद शायद खत्म हो गया होगा, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे यहाँ काम नहीं करना चाहिए। एंड सर, कारण मत पूछिएगा, मैं बता नहीं पाऊंगा। चलो अब तुम कहते हो तो नहीं पूछूंगा और ना ही मैं तुम्हें रोकूंगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी बात मान। मैं चाहता हूँ कि तुम रोहन की शादी तक यहाँ रुक जाओ। ठीक है सर, अगर मेरे यहाँ कुछ और दिन रुकने से आपको खुशी होगी तो मैं कुछ और दिन रुक जाता हूँ। जी सर। तक नहीं आया? कहाँ भाई साहब, मैं भी उसी का इंतजार कर रही हूँ। नहीं, पता नहीं अजय को क्या हो गया, अचानक नौकरी छोड़ रहा है आज। रोहन को फोन करके बताना पड़ेगा अभी। हेलो बाबा जी, क्या हो गया, रो क्यों रही है बहू? बाबा जी, रोहन जी, रोहन जी। क्या 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 हुआ रोहन को, सब ठीक तो है ना? रोहन जी को पता नहीं क्या हो गया, हम कुछ समझ नहीं पा रहे। तुम घबराओ मत, तुम लोग हो कहाँ, तुम बताओ, मैं अभी आता हूँ बेटा। बिल्कुल मत घबराओ, सब ठीक हो जाएगा। बहू कहाँ हो तुम लोग? पता नहीं पापा जी। बहू बताओ, बहू बहू फोन बंद हो गया, अब क्या करें? भाई सब सब ठीक है ना? कट गया, मैं दोबारा लगा। जल्दी और कुछ नहीं बोला उसने, स्विच ऑफ आ रहा है। एक बार और कोशिश करिए, स्विच ऑफ ही आ रहा है। मेरा तो दिल बैठ रहा है, रोहन पुत्र ठीक है ना? पता नहीं रोहन को कुछ हो गया, और वो लोग कहाँ है कुछ पता नहीं, कैसे उनके पास पहुंचूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे मालूम भी नहीं कि वो लोग है कहाँ, किस हालत में हो गए वो लोग, कैसे जाऊं मैं अपने बेटे के पास? क्या बिट्टा तुम भी, अरे इतना सा मजाक नहीं समझ पाई और रोने लग गई। अरे मजाक कर रहा था बाबा, इतनी डरपोक हो आप तो एकदम से। मजाक था, और तुमने क्या सोचा मैं सचमुच? हाँ, और ये ताबीज तुमने क्या सोच के पहनाया था मुझे गुरुजी के पास ले जाकर, कि जब तक ये मेरे गले में रहेगा मुझे कुछ नहीं होगा, और अब खुद को देख लो। इतनी आसानी से आपने ये सब कुछ मजाक कह दिया ना? ये ताबीज भी तो मेरे लिए मजाक ही है बिट्टो, तुम खुद ही देख लो। अगर तुम्हें इस ताबीज पर भरोसा नहीं था तो क्यों मुझे जबरदस्ती गुरुजी के पास लेकर गई और जबरदस्ती ये ताबीज मेरे गले में पहनाया? तुम तो जानती हो कि मुझे पहले से इन बातों पर यकीन नहीं होता, और फिर मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए तो किया था। कि हम पर क्या बीतेगी आपको इस हाल में देखकर, नहीं सोचा आपने? अभी भी हमने पापा जी को सारी सच्चाई बता दी, अगर उनकी तबीयत खराब होगी तो आपको ये सब भी मजाक लग रहा है?
एक एक पल कैसे बीता है ये हम जानते हैं। आपके साथ साथ हर पल आपको क्या लगा सिर्फ आप मजाक कर सकते हो हम नहीं। लेकिन सच में आपके इस मजाक ने हमारी जान ले ली थी। तुम्हारी जान कैसे जा सकती है तुम्हारी जान तो मुझ में बसती है ना। जल्दी घर चलिए सब परेशान हो गए होंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मुझे पता भी नहीं है वो लोग कहाँ है। मिमी हाँ भाई साहब ड्राइवर से कहो कि गाड़ी दिखा मैं खुद जाके देखता हूँ। जी भाई साहब रोहन पुत्र रोहन रोहन तू ठीक तो है ना क्या हो गया तुझे बहू कह रही थी तुझे कुछ हो गया था हम तो बिल्कुल घबरा गए बेटा क्या हुआ। पापा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ आई एम सॉरी क्या है कि मैंने बिट्टो से एक छोटा सा मजाक किया था इस बीच आपका फोन आ गया और बिट्टो ने आपसे ये सब कह दिया। मजाक ये क्या तरीका है तुझे पता है हम सब कितने परेशान हो गए थे जान निकल गई थी हमारी और तू दोबारा फोन नहीं कर सकता था। चाची जी वो मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी इसलिए मैं आपको दोबारा फोन नहीं कर सका मैंने कहा ना सॉरी। और ये क्या है तेरे गले में ये ताबीज तो पहले नहीं थी कहाँ से पहना है तू। वो चाची जी हम रोहन जी को गुरु जी के पास लेकर गए थे। हाँ वैसे भी ये अनपढ़ गवार ये टोने टोटके से ज्यादा और क्या सोच सकते है। तुम आ गई हो ना रोहन की जिंदगी में इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है उसके साथ। माँ की बात का बुरा मत मानना बिट्टो क्या है कि उनकी जुबान ही थोड़ी कड़वी है कभी कभी तो वो क्या बोल जाती है उन्हें खुद भी मालूम नहीं होता। नहीं रोहन जी उनकी बातों का बुरा नहीं लगता बुरा इस बात से लगता है कि हमारी कोशिशों में क्या कमी रह जाती है जो हम अभी तक उनके दिल में सी भी जगह नहीं बना पाए। नहीं बिट्टो तुम्हारी कोशिशों में कोई कमी नहीं है बस उन्हें ही दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वक्त के साथ तुम उनका भी दिल जीत लोगी जैसे तुमने हमारा दिल जीता है। रोहन जी भरोसा है हम पर अपने आप से भी ज्यादा प्यार करते हैं हमसे भी ज्यादा
और ये प्यार और भरोसा हमेशा ऐसे ही कायम रहे। इसीलिए हम आपको हमारे बारे में एक सच बताना चाहते हैं। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुना। मेरे लिए सबसे बड़ा सच यही है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और बहुत जल्द हमारा ये रिश्ता एक पवित्र और सच्चे बंधन में बनने जा रहा है। पता है पर रोहन जी, कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुना। पर जी, मैंनू पता है आजकल के लड़के बड़े फास्ट हो गए, पर बड़े छोटे का भी थोड़ा लिहाज कर लिया कर। कमाल की बात करती हैं चाची जी। अरे भगा के थोड़ी लाए हूं इसको, बल्कि बकायदा ब्याह कर रहे हैं उससे। अरे डांस वांस करने हैं। जरूर नाचेंगे जरूर, पर तेरे ब्याह में। और ये प्यार व्यार ना ब्याह के बाद, इस वक्त तो सिर्फ देखो आए भरो। अरे अरे चाची, आपकी इस गल ने तो मार सुटिया। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर हमारा ब्याह जल्दी नहीं कराया ना, तो आपकी जो बिट्टो है ना, भगा के ले जाऊंगा इसको। और कड़िए, तू भी तैयार रहना, समझे? और चाची, अगर आपकी ये बिट्टो ना मानी, जानती है मैं क्या करूंगा? मैंने ना आप ही को उठा कर ले जाना है। चल, दफा हो बेशर्म, मोया मर जाना, खुद ते जा। अरे ये रोहन भी ना बड़ा बेशर्म हो गया तेरे प्यार में। रब करे ये प्यार हमेशा बना रहे, किसी की नजर ना लगे। पुत्र जी, ये तूने बहुत अच्छा किया, रोहन पुत्र को गुरुजी के पास ले गए और उसे ताबीज पहनाया। सच कहे तो इस बात की चिंता ज्यादा है कि हम अपना सच रोहन जी को बता ही नहीं पा रहे। वक्त बड़े बड़े जख्मों को भर देता है पुत्र जी, और वक्त ही तेरे चिंता का इलाज है। तुम परेशान मत हो। आप सही कह रही थी चाची जी, वक्त बड़े से बड़ा जख्म भर देता है। लेकिन हम ये भी तो नहीं जानते कि आगे आने वाले वक्त में क्या लिखा है। फिर हम कैसे सब कुछ आने वाले वक्त पर छोड़ दें? इसलिए इससे पहले कि वक्त हमें हमारे रोहन जी से बहुत दूर ले जाए, हमें रोहन जी को अपना सच बताना ही होगा। लेकिन कैसे? वो हमारी बात सुनना ही नहीं चाहते। चाहे जो भी हो जाए, हम रोहन जी को अपनी सच्चाई बताकर ही रहेंगे, वो भी अभी के अभी। आप सो भी रहे हैं तो भी आपको उठकर आज हमारी बात सुननी पड़ेगी।
लाकर चला गया। अरे मैं तो कहता हूँ उस आदमी को रोज आना चाहिए। अब तुम ही देखो, तुम्हारे हिसाब से वो मुझे यहाँ मारने आया था, लेकिन हम दोनों को यहाँ अकेले कमरे में बंद करके वो यहाँ से चला गया। अरे मैं तो कहता हूँ वो जो कोई भी है बहुत ही अच्छा आदमी। अरे इसी बहाने हम दोनों एक कमरे में हमेशा बंद तो रहेंगे ना हम तुम। रोहन जी आपको मजाक सूझ रहा है, यहाँ हमारी जान जा रही है जान। अच्छा तो ठीक है, तुम्हें कुछ और सूझा है तो तुम ही बताओ, तुम इस वक्त यहाँ मेरे कमरे में क्या करने आई थी बोलो। बिट्टू तुम अभी तक नहीं समझी, अरे रिया का कोई मजाक होगा ये, उसने तुम्हें मेरे कमरे में आते देखा होगा और बाहर से कमरा बंद कर दिया होगा। तुम ही देखो उस बेचारी रिया ने इतना रोमांटिक माहौल बनाया और तुम हो कि बस डरे ही जा रही हो। आप कुछ समझ नहीं रहे। ठीक है कोई बात नहीं, भले आप ना माने। फिर उसने दरवाजा बंद करके देखा, वो अभी यहां से यहीं से बाहर गया। ओ गॉड, ये क्या इतनी रात को शोर मचा रखा है, इस देहाती को तो अकल है नहीं। जरा उसे जाकर कहिए कि चौकीदारी करने का इतना ही शौक है तो बंगले के बाहर जाए, वैसे भी इसकी सही जगह हुई। कमाल करती हो खमली, बहू की बुराई करने के लिए ना तुम वक्त देखती हो ना हालात। मुझे लगता है कि आवाज रोड के कमरे में से आई। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि उसने तुम पर चाकू से वार भी किया था? कैसे बताते, आप हर चीज मजाक में ले लेते हो और हमें अपने से ज्यादा आपकी फिक्र है। मैं कहा था तुम उसे जानती हो। हाँ हम जानते हैं, पहले तो उस पर शक था, अब तो यकीन हो गया है। कौन है वो बिट्टो? वो अजय है। हो सकता है, और एक काले जादू की किताब भी मिली थी। इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया नहीं, क्यों? तो पुत्र बताना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ये कुछ सबूत इकट्ठा करना चाहती थी, क्योंकि उस वक्त अगर तुम्हें बताते तो तू तो मानता ही नहीं ना। हमें सबको बता देना चाहिए था। लेकिन इतना सब कुछ जानते हुए भी आप लोग अभी तक चुप क्यों रहे? मैंने ही रोका था बिट्टो पुत्र को सबको बताने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी भाई साहब को सब पता चले। जिस इंसान पे भाई साहब इतना भरोसा करते थे उसका सच जानने के बाद भाई साहब का यकीन टूट जाएगा। लेकिन अब बताने से भी क्या फायदा चाची जी, और अब तो कभी भी वो अपनी बात से पलट सकता है। नहीं वो नहीं पलट पाएगा, क्योंकि चाहे ना चाहे वो ये सच खुद सबके सामने लाएगा। लेकिन कैसे? हमसे हाथ छुड़वाने के चक्कर में उसके चाकू से खुद उसके हाथ पर घाव लग गया। अब अगर वही घाव अजय के हाथ पे है तो वो चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाएगा। तो ठीक है, अब मैं पूरे घर के सामने उस अजय के चेहरे से नकाब उतारूंगा। हम लोग अभी उसके कमरे में चलते हैं, आइए मेरे साथ। नहीं पुत्र जी, वो बहुत ही चालाक आदमी है। ऐसा करो कि तुम दोनों सबको हॉल में इकट्ठा करो, मैं अजय के पास जाती हूँ और उसे हॉल में लेके आती हूँ। और सुनो, उसे तब तक ये पता नहीं चलना चाहिए जब तक उसका सामना सबसे नहीं हो जाए कि हम उसे हॉल में क्यों लेके आए हैं। ठीक है? रोहन क्या बात है, सब ठीक तो है बेटा? अरे कमरे से आवाज कैसे आ रही थी? मेरे कमरे में कोई आया था पापा, पहले मुझे और बिट्टो को ऐसा लगा कि वो मेरी जान लेने आया, लेकिन बाद में समझ में आया कि उसका मेरे कमरे में आने का मकसद कुछ और था। क्या कह रहे हो बेटा, अरे कमरे में आया था और उसका मकसद कुछ और था? मेरी समझ में नहीं आ रहा बेटा। पापा जी कोई है जो रोहन जी पर काला जादू कर रहा था, लेकिन कल जब उसे पता चला कि गुरु जी के पास ले जाकर हमने रोहन जी को ये ताबीज बंधवा दिया था,
तो शायद वो इसे लेने आया था। ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो सके। लेकिन जब हम वहां पहुंच गए तो वो ताबीज वही गिर गया। पापा जी, ये वही है जो जो रोहन जी की जान लेना चाहता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और हम चाहे जितनी भी कोशिश करें, लेकिन रोहन के ऊपर ये खतरा तो हमेशा रहेगा। क्या कह रही हो ये तुम गंभीर? बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं, लेकिन आप लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप सबके लिए तो मैं ही बुरी हूँ। लेकिन एक बात सच है, मौत का सामान आप लोगों ने खुद अपने गले में बांधा है। चुप रहो कामनी। ऐसा कैसे हो सकता है? और कौन हो सकता है? मल्लिका तो जेल में है। पापा जी, आपको याद है मल्लिका ने जाते जाते क्या कहा था? कि कोई और है इस घर में जो रोहन जी की जान लेना चाहता है। और इस घर में? लेकिन और कौन हो सकता है इस घर में? और मल्लिका की बात का क्यों भरोसा करेंगे हम? हमें उसकी बातों पर इसलिए भरोसा है पापा जी, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई और है इस घर में जो मल्लिका की मदद कर रहा था उसे हमसे बचाने में। पापा जी, आप नहीं जानते हैं, पिछले कुछ दिनों में रोहन जी के साथ कुछ अजीब अजीब घटनाएं हो रही है, और हमें यकीन है कि ये काला जादू ही है। हाँ पापा जी, हम ये बात आपको बताना चाहते थे, मगर रोहन जी ने हमें रोक दिया था। पापा जी, वो नहीं चाहते थे कि ये बात सुनकर आप सब परेशान हो जाए। लेकिन कौन हो सकता है वो आदमी? अजय। अजय, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? मिलना चाहता हूं अभी इसी वक्त। मैं सुनना चाहता हूं कि सच क्या है। वो काला लबादा और वो काले जादू की किताब उसके कमरे से मिलने के बाद भी, क्या आप अजय की बात सुनना चाहेंगे पापा जी? इतना विश्वास किया मैंने उस पर, उसका ये सलाह दिया उसने मुझे, आज मुझे खुद पे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं अच्छे। हम पर भी वार करने की कोशिश की, और इसी कोशिश में उसका चाकू खुद उसके हाथ पर लग गया। अब अगर वही निशान अजय के हाथ पर भी है तो यह साबित हो जाएगा कि जो आदमी कमरे में आया था वो अजय ही है। अजय के कमरे में चलो। पापा चाची गई अजय को बुलाने के लिए। चाची जी, आप ये अजय कहाँ है? पता नहीं, वो अपने रूम में भी नहीं है, बाकी के जगह भी मैंने देखा, कहीं भी नहीं है वो। माफ कीजिएगा सर, लेकिन अब मुझे इस घर से जाना पड़ेगा। यूं समझ लीजिए कि मेरा काम अच्छा, अब समझ में आया।
बेचारा काम छोड़ के भागने की फिराक में क्यों था? क्योंकि हमें उसकी असलियत पता चल गई थी और सुबह ही हमने उसे कहा था कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन उसके बाद भी वो रोहन जी के कमरे में आया था। हंसने के डर से वो भाग गया। नहीं नहीं भाई साहब, वो कहीं नहीं गया है, उसका सामान उसके रूम में पड़ा है। तो फिर वो है कहाँ? तो मेरी एक बात समझ में नहीं आई, ये इतने दिनों से घर में काला जादू वगैरह चलता रहा और हमें पता तक नहीं चला, और ऐसी कौन सी जगह से ये सब होता रहा? ऐसी तो एक ही जगह है हमारे घर में जहाँ हम में से कोई भी नहीं जाता है, पुराना स्टोर रूम जो हमेशा बंद रहता है, और मुझे लगता है कि वो उसी जगह का फायदा उठा रहा होगा। ये जगह है जहां से तुम रोहन पे काला जादू करते हो।